हेलो फ्रेंड्स, सुरती फूड में हम आपका स्वागत है। यह हमने ग्रीन पापलेट तवा फ्राई बनाया है। ये देखिए इसकी सिसलिंग साउंड आप सुन रहे होंगे, कितनी अच्छी आ रही है। हमें पानी आ रहा है ना। और ये हमने इसके साथ रस्सा के साथ भी पॉम्पलेट बनाया है, लेकिन उसकी रेसिपी हम बाद में कभी देंगे। फिलहाल हम सूखे तवा फ्राई की रेसिपी दे रहे हैं, वो भी ग्रीन मसाला। 1 किलो पॉम्पलेट है, इसको हमने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है कपड़े पर। और ये इसका हेड निकाल के उसमें चीरे, दोनों साइड चीरे लगा लिए हैं। ये अच्छी तरह से धुले हुए हमारे प्रॉन तैयार है मैरिनेट करने के लिए। मैरिनेशन के लिए हम इसमें ये सॉल्ट डाल रहे हैं। अच्छी तरह से सॉल्ट डालने के बाद इसमें हम ये हल्दी डालेंगे। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन है, तो इसमें हल्दी गई। और टोटल हम 2 नींबू का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो 1 नींबू भी और 1 नींबू दूसरे मैरिनेशन में डाल सकते हैं। मैंने 1.5 नींबू इसमें ले लिया है ताकि नींबू का रस अच्छी तरह से उसमें मैरिनेट हो जाए, क्योंकि सी फूड का खट्टा टेस्ट बहुत अच्छी तरह से जाता है। ये ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट डाल दिया है। ये तीखा ही अच्छा लगता है, तो रेड चिली हम कम यूज़ करेंगे, ये ग्रीन चिली हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैंने 2 चम्मच इसमें डाले हैं, फिर चटनी में भी हम डालेंगे, तो ये 2 चम्मच अभी काफ़ी है। ये पहला मैरिनेशन है, तो अच्छी तरह से मैरिनेशन को लगा लेना है हमने कंप्लीट पे। अच्छी तरह से हमने उस पर मल लिया है, और इसके लिए हम ये दूसरा मैरिनेशन के लिए चटनी बनाएंगे। ये कोरिएंडर को अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है, और इसके हम चटनी बनाएंगे। ये डंठल के साथ ही हमने लिए है, थोड़े बारीक वाले डंठल हो तो चलता है चटनी में। और इसमें 1.5 नींबू हमने उसमें डाले थे, और ये 1.5 नींबू हम चटनी में डालेंगे। ये बीज गिर गए हैं, उसको निकाल लिया है। और ये हम सॉल्ट डालेंगे, और इसके साथ हम आइस डालेंगे, क्योंकि आइस और नींबू डालने से चटनी का कलर ऐसा का ऐसा ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। तो इसमें 4-5 की आइस भी डाल देंगे हम। और चटनी में पानी ना छूटे इसके लिए 1 चम्मच फिलहाल ग्राम फ्लोर डाला है, यानी कि बेसन। और ये हमारी चटनी बनके तैयार हो गई। देखा इसका कलर कितना ग्रीन आया है, और थोड़ा सा भी पानी छूट रहा है, तो उसमें हम 1.5 चम्मच और बेसन डाल देंगे, क्योंकि इसको हमने तवे पे फ्राई करना है। तो पानी छूटेगा तो तवे पे चिकन जाएगा, तो इसके लिए हमने इसमें बेसन भी डाल दिया है। बेसन डाल दिया, ये हल्दी, लाल मिर्च, और ये क्यूमिन और कोरिएंडर, यानी कि धनिया चीरा पाउडर डाल दिया है। इसके तरह से ऐसा डालने से एकदम सूखा रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन का जो हमने रखा था, उसमें ये दूसरा मैरिनेशन लगाएंगे चटनी का। तो इसको बराबर से हमने मिक्स कर लिया, और पॉपलेट को निकाल के एक एक पॉपलेट के ऊपर हम इसका मैरिनेशन लगा लेंगे। अच्छी तरह से हम लगा रहे हैं, दोनों साइड पे लगाना है हमने। ये मैरिनेशन हमको
कम से कम 4-5 घंटे के लिए रखना है फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ऐसा करके हमने सारे पॉपिट को ऊपर चटनी लगा ली है। तो ये हमारे मैरिनेटेड पॉपलेट तैयार है। अभी इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में डाल लेंगे और उसके बाद इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तो ये हमारे पॉपलेट तवे पे फ्राई हो रहे हैं, दोनों साइडों पे अच्छी तरह से फ्रिज को हमको इसको पका लेना है। मेरी रेसिपी अच्छे पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपी जानने के लिए हमको कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी ये सब्सक्राइब से बेल बटन दबाना ना भूलिए। इसके हमने ये जार का रोटला और रस्सा वाला पॉपलेट भी सर्व किया है। देखा माउथ वाटरिंग है ना, आपको भी खाने का मन हो गया होगा। तो आइए हमारी रेसिपी ट्राई कीजिए और आप भी इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।